ना वो घूमने नहीं जाने के बेटा, आ जाओ घूमने नहीं जाना, आओ आओ शाबाश। घूमी चले क्या इधर? हाँ क्या होता है, घूम नहीं जाना आपको? अभी मैं नाबू को मॉर्निंग वॉक के लिए लेके आई, तो सुबह सुबह मैंने ना ये पौध लिए और यहाँ पे रख के जा रही हूँ, क्योंकि एक हाथ में नाबू एक हाथ में कैमरा है, तो डील नहीं कर पाऊंगी, वापसी में उठाऊंगी अगर कोई ना उठाए तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। रात को ऑलमोस्ट सोते सोते 2:30 बज गए थे, उसके बाद भी ना नींद नहीं आई, क्योंकि मिंटी ने ना आखिरी सांस मेरे सामने ही ली, तो जैसे उसने वो सांसें ली थी ना लास्ट की, तो बार बार आंखों के सामने घूमती रही ये मेरी पलटन, और मेरी पलटन कम हो गई यार मेरे मुंह से हमेशा। अभी भी जब चिंटू जा रहा है ना, चिंटू को देख के पता नहीं क्यों क्या तरस आ रहा है, इसकी बहन इसका पैक था, मतलब इसको कोई कुछ कह दे तो एकदम ऐसे आगे आ जाती थी, जैसे एक्चुअली बहनें आ जाती है ना, उसके भाई को कोई कुछ कह दो एकदम लड़ने आ जाती हैं। यहाँ पे मिलती है इधर, बहुत दिन बाद मिले भैया। वो कौन है उनसे मिलता हूँ, वो भाव नहीं दे रहे। आजा, जो मिलना चाह रहा है उसको तो इग्नोर कर गया, बोलते बोलते रुक गया। पहचान लिया? हाँ ये ठीक है। बस बैठ गया, ये इसका सेफ प्लेस है बस। तो ये जो पौधा मैं लेके आई थी मैंने इसमें लगा दिया यहाँ पे, और प्याज के छिलकों का मैंने खाद बनाने के लिए प्याज के छिलके इसमें डाल दिए, पानी डाल दूंगी। अभी यहाँ पे गोलू खाना खा रहा है, भोलू को खिला चुकी हूँ, और अभी ना मेरे को धोखा सा लग गया, मैं आवाज़ लगाई थी गोलू भोलू चिंटू मिंटी, और मेरे को ध्यान आया कि मिंटी तो आएगी नहीं कभी भी। कोई प्लीज़ मेरी विस्की दीदी को समझाओ, अगर कोई समझा सकता है। इसने सारे के सारे बेड सारे फाड़ लिए, अब नवाब के पास नाम के लिए भी एक बेड नहीं है, नवाब के 4-5 बेड थे, हालांकि वो सोता नहीं है उन पे, लेकिन हर तरह के बेड थे नवाब पे, जो विस्की दीदी ने एक एक करके लिए और फिर फाड़ दिए, और पी पैड तो दिन में 4 फाड़ती है। इसको बताना कोई समझाना कि पी पैड कितने महंगे आते हैं, हैं क्यों फाड़ती हो दीदी आप, हैं सुनो बात तो सुनो तो क्यों फाड़ती हो आप, ये पीपैड क्यों फाड़ती हो, सुनो तो पीपैड क्यों फाड़ती हो, क्या मिलता है, अच्छा क्या चूल है पीपैड फाड़ के, मतलब क्या सेटिस्फेक्शन है पीपैड फाड़ने से, देखना दिन में 4 फाड़ती है। पापा आए, पापा हूँ क्या हूँ, गुड्डा पकड़ा गया। तो हम लोग निकल गए खाने के लिए। जय भी बोलो, देखो ये क्या किया, गोलू भोलू बोलने मिलके फिर से फाड़ दिया। आ जल्दी जल्दी
शाबाश, आज 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 अभी मैंने ना जय को बोला है बिटाडीन और हाईमैक्स लेने गया और नवाब को भी उसे ही पकड़ा दिया। एक्चुअली मैं नवाब को वॉक कराने लाई थी और मेरे सामने ही देखते देखते एक पिकअप वैन होती है वो इसको मतलब हिट कर दी। तो अभी मैं नाबू को तो चला गया जय के साथ में, तो जय को ही मैंने बताया वो सामान लेके आ रहा है, तो ये ना मतलब अलाउ नहीं कर रहा है और यहाँ से हिल भी नहीं रहा है। बड़ी नवाब साहब निकले घूमने के लिए, आ जाओ, बोलू बोलू बोलू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। नाबू को लेके निकली हूँ मैं घुमाने और उसके बाद मैं लेके जाऊंगी कालू को हॉस्पिटल। आले, गुड मॉर्निंग कालू जी, कहाँ घूम रहे? हाँ हाँ हाँ, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे ओ गया अंदर, ओ गया अंदर, अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा। उठ जा भाई, आज क्या इनविटेशन देना पड़ेगा क्या तुम्हें? काफी लोगों को पता नहीं होगा कि कालू को मैं बोल रही हूँ हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। कालू मुझे रात को मिला जब मैंने आपको वॉक करा रही थी, तो उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको पिकअप हिट करके गई है। तो रात को ऑलमोस्ट कोई 12:30 हो रहे थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे मैंने उसको फर्स्ट एड दे दिया था। अब मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। आज जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आवाज लगाओ टैन को। गोली रो रहा था, इसमें वो क्या रोने की क्या बात है? तेरे दोस्त नहीं आ रहे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? चिंटू आजा बेटा, आजा, चिंटू इज अ गुड बॉय। प्रीती आजा, प्रीती आजा, आजा आजा, गुड गर्ल, प्यारा बच्चा। गुड मॉर्निंग सर, इसका टारगेट ये है और इसका टारगेट कोई और है, और ये देखो दोनों क्यूटीज, और बनी घूम रहा है इधर उधर क्योंकि बनी लगवा रहा है झाड़ू। ओ, 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 ओ शहजादा देखो रिकॉर्ड हुआ, ओ शहजादे बनी, तो अभी आया कहीं से, बात कहीं से तो आया। क्या उम्र है तुम, है क्या उम्र है? मैं ना अभी घर से निकल गई कालू को लेके, और जो मेरे रेगुलर ऑटो वाले भैया हैं वो आज अवेलेबल नहीं थे, वो कहीं गए हैं, तो मेरे को ओला बुक करनी पड़ी। ओला में भी जाके ओला ऑटो बुक किया है मैंने, अभी कालू को लेके जा रही हूँ। इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा डर रहा है, और कभी ऑब्वियसली कभी ऑटो वगैरह में बैठा नहीं है, तो इसको डर हो रहा है कि मैं पता नहीं कहाँ लेके जा रही हूँ इसको। जब मैं घर से निकली ना, तब मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाई कि मैं इसको दोनों हाथों से टाइट करके लेके इसको बैठी, और अब जाके ये आधे रास्ते में थोड़ा रिलैक्स हुआ है, तब जाके मैं वीडियो बना पा रही हूँ। अब बस हॉस्पिटल पहुँचते हैं और देखते हैं कि इसको क्या क्या इंजरी हुई है। तो मैंने फिर से ओला बुक कर दिया, छोटे रे छोटे की स्माइल देखो। हाय गाइस, कैसे हो? अभी बताएंगे सारे कमेंट में कैसे हैं। और कालू यहाँ पे, कालू की कंडीशन ठीक नहीं है, इसने अपना मुंह छूने से बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया डॉक्टर को, तो आज इसको इंजेक्शन और सलाइम देके
थोड़ा पेन कम किया है ताकि कल इसका हम फेस देख पाए अंदर से। इसकी नाक में और इसके मुंह में जबड़े में लगी है। तो अभी मैं वापस निकली हूँ घर के लिए और कालू को ना, कालू का जो जबड़ा है और जो नोज है उसमें काफी ज्यादा चोट आई है, मतलब बहुत ज्यादा, और जिस वजह से वो ना अपने आप को टच नहीं करने दे रहा, अलाउ नहीं कर रहा। और ये मुंह की चोट है तो हम मजल भी नहीं पुट कर सकते, तो इसलिए डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिया है ताकि थोड़ा उसका पेन कम हो जाए, और पेन कम हो फिर जाके उसके दांत वगैरह, उसकी नोज चेक हो, क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत है, आवाज़ कर रहा है वो, नोज उसकी ब्लॉक है, क्लॉट आई गेस ब्लड के क्लॉट्स जम गए हैं जिस वजह से उसको परेशानी हो रही है। तो कल फिर से लेके आऊँगी मैं कल। हाँ जी, ये लो, ये देखने में जितना सही लग रहा है ना, इसके मुंह के अंदर उतनी ही ज़्यादा चोट है। आजा बेटा पानी पी। ओह, इसको उठाना मतलब 10 मिनट के लिए। गुड बॉय। इसको डॉक्टर ने लिक्विड डाइट देने को बोला है, एकदम सॉफ्ट दूध और रोटी दूंगी अच्छे से मिला के। खा लो आराम से, खा लो आराम से। अब मैं जाती हूँ नवाब की दुनिया में, क्योंकि रोहन ने मुझे बुलाया था किसी काम के लिए, लेकिन मैं कालू को हॉस्पिटल लेके गई। फिर उसके बाद में इतनी गंदी हो गई, मतलब गंदी वैसे नहीं, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शन होने का डर रहता है, और नवाब को मैं नहा धो के उसके बाद ही मिलती हूँ। ये हम इस कामना से हम पूजन कर रहे हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरी अंतर्भावना में ये बात है, आप इसमें सहायक हो जाओ, हमारी जो बात है वो सिद्ध करो प्रभु, हमारी बॉडी को मोक्ष की प्राप्ति हो या किसी शुद्ध आत्मा में इसका प्रवेश मिले। कर जीव की भलाई मकसद फकत यही है और कुछ दूसरा मकसद नहीं है। इस पूजा से बढ़ती उसकी सेवा की पूजा से रोहन भैया ये सब काम कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया काम है। अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आप भोजन कर रहे हो तो आपका भोजन करना व्यर्थ है। भोजन अगर पड़ोसी भी पा रहा है, आप भी पा रहे हो, आनंद है। बाहर एक कोई बैठा है मजबूर आसान है, कुत्ता बांध लो कुत्ता ही बैठा है और वो भूखा है तड़प रहा है, वो आप अंदर मिष्ठान खा रहे हो, अगर आपने उसका एक भी कड़ उसके मुख तक पहुंचा दिया तो आपका भोजन। ओम प्रजापति स्वाहा, ओम राघवे नमः स्वाहा। और विस्की को देखो, विस्की को अपना बेड इतना पसंद आ रहा है ना कि थोड़ा सा भी ना हिल नहीं रही है, मतलब ऐसे बिहेव कर, जैसे नए नए कोई चीज लाते ना उसको प्यार से रखते हैं। तो इसको नया बेड अच्छा लगा आपको? इतनी खुश है, रात से ही तकिया लगा के सो रही है मजे से, कितनी खुश है ना नए बेड में। पूजा भी हो गई और अब मैं मिलूंगा अपने बेटू से, अपने नवाब से। भाई साहब कभी घर भी आ जाया करो, हैं सारा दिन पार्क में लेटे रहते हो, घर भी देख लिया करो कभी, घर बार है आपका। आज मैंने कालू के चक्कर में सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मेरा ब्रेकफास्ट और लंच यही है, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी, ऐसा लग रहा मर जाऊंगी। कहाँ लेके जा रहे हो? अभी अभी ताजा ताजा प्यार हुआ है, थोड़ी एक मिनट पहले। प्यारा है? मेरे को बड़ी जोर से आता है इस पे। ऐसे ऐसे पूरा हो गया। मैं भी आ रहा हूँ। चला मैं भी आ रहा हूँ। गुड्डू आ गए?
हाँ गुड्डू आ गए, गुड्डू आ गए और गुड्डू आ गए। गुड्डू इधर आओ, इधर आओ, पुच्छू कैसे ला रहे तुम? ए लोमड़ी इधर आना, लोमड़ू आ जा यार। ए लोमड़ू तो पैर को खाना वगैरह खा के एक चक्कर मैंने लगाया नवाब की दुनिया में। रोहन थोड़ा सा थोड़ी देर आके लेटे, रेस्ट वगैरह किया और उसके बाद में मैं अभी जस्ट नवाब की दुनिया से होके आई हूँ। और परसों से ना मन ठीक नहीं है, आप सबको पता है, जो लोग मिंटी को जानते थे उनका भी ऐसे ही होगा। मिंटी के जाने के बाद से ना मेरे को बार बार ऐसे ना धोखा सा लगे जा रहा है, क्योंकि मेरी ना एक ना राइम बनी हुई है कि गोलू गोलू चिंटू मिंटी। तो मैं जब खाना खाने के लिए इन लोगों को, बच्चों को बुलाती हूँ, तो बार बार मेरे मुँह से ना मिंटी भी निकल रहा है। तो बहुत मतलब जितने बार मैं नाम ले रही हूँ उतनी बार मेरे को ना फिर बुरा भी लग रहा है, रोना भी आ जाता है, आँखें भी भर आती हैं। तो परसों से ना रोहन का मन ठीक है ना मेरा मन ठीक है। कल रात कालू के साथ में एक्सीडेंट हो गया, उसके ज़्यादा फेस पे चोट लगी हुई है, उसको लेके गई सुबह। अब कल और अच्छे से एग्जामिन होगा। तो बहुत ही ना ऐसे नेगेटिव नेगेटिव सा हो गया है और समझ भी नहीं आ रहा, मन ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है। तो ऐसे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या व्लॉग बनाऊँ, क्या बोलूँ, बस अपना काम करती जा रही हूँ करती जा रही हूँ। ये देखो जय फिर से तोड़ के लाया बेर, एकदम पके पके। हर बार जाता है हर बार तोड़ लाता है, बोलता है मेरे राज में बेर खाओ। तुम खा ले भाई, खा ले। इतने बेर हो रखे हैं इस टाइम पे हमारे घर में कि हम बांट सकते हैं, दे सकते हैं ना हम लोगों को। बहुत बेर हो रखे हैं हमारे घर। तो अभी मैं ना जस्ट नवाब की दुनिया से जा रही हूँ घर, नवाब को बिस्किट खाना वगैरह खिलाती हूँ। तो घर आके पूजा करके आज है फ्राइडे, तो कान्हा जी के लिए बन रही है खीर, खीर का भोग लगेगा कान्हा जी को। अभी नवाब साहब ने खाना खाया, उसके बाद में गोलू का टर्न, गोलू को खिला चुकी हूँ। डेजी सबसे पहले खा के गया आज, डेजी का पेट फुल है, डेजी भागा दुन 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 दुन। तो मैं नवाब की दुनिया में हूँ जैसा मैंने बताया, और नवाब को खाना वगैरह खिला के आई। और रोहन का मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, यहाँ पर एक बच्चा है, आपस में दोनों बच्चे खेलते हुए एक बच्चे को बाइट हो गई, तो रोहन का मन बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो दांत लग गया। तो ये हमारे वो भाई साहब हैं जिनको बाइट हो गई है, अब खेलते ये आपस में अंधाधुन पागलों की तरह दांत लगवा लिया, अब झेलना रोहन को पड़ेगा, है ना? बट क्या होता है ना, देखो आप इन बच्चों से नहीं उम्मीद कर सकते कि आप ये खेलते हुए कब एग्रेसिव हो जाए, क्या हो जाए। फिर या तो इसका सोल्यूशन है आप केज बना दो, केज बना नहीं सकते, या फिर आप इन्हें बांध के रखो और साथ खेलेंगे तो जाहिर सी बात है कभी लग सकता है। मुझे बुरा लग रहा है, गलतियाँ हैं, मिस्टेक्स हैं, सीखना चाहिए, सीख रहा हूँ, बट फिर भी परेशान हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसा लग रहा है कि यार किसी का बच्चा, मतलब मैं बिल्कुल कनेक्ट करता हूँ। नहीं नहीं ऑब्वियसली, मतलब फील तो होते ही है। और देखो कैसे चल के बैठ रहा, कह रहे भैया कुछ बात करनी है, मैं भी बोलूँ आपकी तरफ से। अभी मैं निकलती हूँ यहाँ से, यहाँ से जाके मुझे रोहन का खाना पकड़ाना है, उसके बाद में फीडिंग के लिए निकलना है, और बीच में आज मंडी लगी है तो सब्जी भी खरीदनी है घर के लिए। अरे वाह आप बैठ गए कालू बेड पे, तो मैं भी आई ना वहाँ से आके, कालू भाई साहब के हाल चाल देखते हैं। ये देखो ये ना अभी सांस लेगा, ठीक है, तो आवाज़ सुनना सांस लेने में, नाक में और मुंह में लगी है ना, ये देखो खर खर कर रहा है ना, ये इसको प्रॉब्लम है, जिसका हम कल ट्रीटमेंट मतलब कल देखेंगे, क्योंकि ये अपने नाक को और मुंह को हाथ नहीं लगाने देता, और ये ऐसी जगह है कि हम मज़े लगा के भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो इंजेक्शंस दिए ताकि स्वेलिंग कम हो जाए, पेन कम हो जाए, और ये अलाउ करे। और अब हम लोग निकले फीडिंग के लिए, लेकिन उससे पहले जय पकड़ा रहा है रोहन को टिफ़िन, रोहन का खाना, और अब हम लोग फीडिंग करेंगे पूरे सेक्टर में, उसके बाद में घर चले जाएंगे और मैं रोहन से मिल नहीं पाऊँगी इसके बाद में। तो मैं अभी फ़िलहाल सारी जितने वीडियोज़ हैं व्लॉग की रोहन को यहीं पे देने वाली हूँ, और व्लॉग यहीं पे एंड हो जाएगा। तो आज के लिए शुभ रात्रि, कल मिलते हैं एक नए दिन के साथ में और नई उम्मीद के साथ में, और थोड़ा सा शायद मन भी ठीक हो जाए, क्योंकि आपको पता है मिंटी के जाने के बाद में बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ शुभ रात्रि, एंड चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।